अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाशनी वाली मट्ठी। तो ये मैंने 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम मैंने आटा दोनों मिक्स करके लिया है। 500 ग्राम है ये है छोटी इलायची का पाउडर। ये देसी घी है जो मैं घर में ही बनाती हूँ। ये पानी लिया मैंने गुनगुना, इसमें मैं अपने हिसाब से पानी डालूंगी। दूध भी गुनगुना ही है, इसमें से भी थोड़ा सा डालूंगी, जितना डल डालेगा। तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ। सॉरी, मैंने आप लोगों को चीनी नहीं बताया। ये चीनी भी 500 ग्राम है जिसका मैं चाशनी बनाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैं चीनी का चाशनी इसके अंदर बनाऊंगी। चीनी डाल दिया है मैंने इसके अंदर और ये आधा गिलास पानी है ये डाल दूंगी इसके अंदर। ये देखिए पानी इसमें डाल दिया है मैंने, जब तक मेरा चाशनी बनेगा। इतने में मैं आटा गूंद लेती हूँ, गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देती हूँ। तो चलिए हम आटा गूंद लेते हैं। ये जो इलायची का जो पाउडर है ये मैं इसमें डाल देती हूँ सारा। घी में इसमें डालूंगी 100 ग्राम। ये घी मैं घर में ही बनाती हूँ, इसका रेसिपी भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, देख सकते हैं। चलिए मैं इसको गूंद लेती हूँ। थोड़ा मैं इसमें दूध डालूंगी, आधा कप दूध डाला है मैंने और आधा ये पानी डालूंगी। पानी थोड़ा मेरा गुनगुना है। देखिए दूध पानी और मैंने घी एक साथ डाल के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए चाशनी हमारा उबलने पर आ गया है, पानी उबल रहा है इसका। इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा देर पे। आई जो मैदा उसको जो हम गूदेंगे, बिल्कुल थोड़ा टाइट टाइट गूदेंगे इसका, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर से जो मट्ठी हो वो अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चापन रह जाएगा अंदर। इसलिए इसको खूब टाइट टाइट से गूदना, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है बिल्कुल। ये देखिए हमारा आटा गूद चुका है, अब हम इसे ढक के रख देंगे। इतना दूध और थोड़ा सा पानी रह गया, थोड़ा सा बिल्कुल। इतने में दोनों चीज़ हमारा गूद गया है बहुत अच्छे से। अब मैं चाशनी देख लेती हूँ। चाशनी एक तार का बनना चाहिए, सिर्फ हल्का रह गया है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर रखा है बिल्कुल। तो बस थोड़ा दौर पकाऊंगी मैं, इसको हटा कर रखूंगी, फिर मैं मट्ठी बनाऊंगी। 30 मिनट हो चुका है ये, अब मैं इसको बना लेती हूँ। छोटे छोटे पेड़ा बनाना है बिल्कुल, छोटे छोटे गुलाब जामुन जैसे, इससे बिल्कुल छोटे छोटा ऐसे। आप चाहे तो काट भी सकती हैं गोल किसी चीज़ से। इस तरह से हम बनाएंगे, ये जैसा है इस तरह से, बस ऐसे ही बनाएंगे हम सबको। और फिर हम सबको कट भी करेंगे बीच से, बस इतना इतना बनाएंगे बस। ऐसे ही मैं सबको बना लूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी इसके अंदर। ये देखिए मैंने बना लिया है ये, और इसी तरह से हम सब में कट मार लेंगे इस तरह से। ऐसे कट मार लेना है सबको। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ सबको। ये सब डाल दूँगी मैं इसके अंदर। देखिए देख लेते हैं, एक तरफ से हो चुका है ये, हम सबको पलट लेते हैं इस तरह से। ऐसे सारे बना लेंगे, फिर सबको चाशनी में निकाल लूँगी मैं। ये देखिए हो चुका है ये, निकाल लेते हैं सब। ये देखिए सब निकाल लिए हैं, कितना अच्छा कलर हो गया इसका, बहुत ही खस्ता फ्राई हुआ है। ये देखिए हमारा ये बन चुका है पूरा। अब चाशनी भी हमारा तैयार है, बिल्कुल एक तार का तैयार है। देखिए बिल्कुल ऐसे अभी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी। देखिए इस तरह से हम सारा मिक्स कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा गर्म इसको ऐसे पकाते रहेंगे ताकि इसके अंदर तक थोड़ा मीठापन ऐड हो जाए इस तरह से। फिर जब ही ठंडा होगा तब जाके इसमें चीनी सारा चाशनी सारा इसमें जो है ये सब पकड़ लेगा। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए तैयार हो चुका है ये, ठंडा होने के बाद पूरा चीनी इसमें चिपक गया बिल्कुल।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे आप भी बनाएं, और त्यौहार तो हमेशा आता ही है, आता ही रहता है, तो इस तरह से त्यौहार के टाइम में आप बनाएं, सबको खिलाएं, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल होता है ये। तो आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।